नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कनिका। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश के लोग काम करने वाली सरकार चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मायावती के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, मायावती ने जैसा चाहा वैसा टिकट लिया। वहीं उन्होंने कहा कि बस्ती मंडल के समाजवादी पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कि अब वही सरकार रहेगी जो काम करने वाली सरकार होगी, जनता को डिलीवरी करने वाली सरकार होगी, और वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 सालों में करके दिखाया है। तो निश्चित तौर से 2019 में फिर उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भाजपा इंडिया की सरकार बनेगी। ये पहली बात तो ये मैं कह दूँ कि जो सीटों का गठबंधन हुआ है वो सपा बसपा के बीच का है, उसमें मुझे नामली कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे बस्ती मंडल में 3 सीटें हैं और बस्ती में समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे थी, यहाँ पे बसपा नंबर 2 पे थी, संत कबीर नगर बसपा नंबर 2 पे थी, लेकिन तीनों सीटें बसपा के खाते में जाना, इससे साफ है कि श्री अखिलेश यादव जी ने इस गठबंधन में सुश्री मायावती जी के सामने समर्पण कर दिया है और उन्होंने जो सीटें चाही हैं उन सीटों को उन्होंने सौंप दिया है। इस मंडल में समाजवादी पार्टी का कहीं झंडा नहीं लगेगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना कोई उम्मीदवार नहीं होगा। तो ये बंटवारा हुआ है किसी वैचारिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं, ये मजबूरियों का गठबंधन है, स्वार्थों का गठबंधन है। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पूरा पूरा मंडल ले लिया है मायावती ने। और उन्होंने क्यों लिया, जिस तरह से इस मंडल में टिकटों का बंटवारा कर रही हैं, आज सिद्धार्थनगर में जो नाम आ रहे हैं या और जगह नाम आ रहे हैं, अगर सिद्धार्थनगर में गठबंधन में कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं है, बाहरी उम्मीदवार को ला करके और उन सीटों का बंटवारा करें, तो इसका मतलब वो टिकट कोई कार्यकर्ता को नहीं दिया जा रहा है, पार्टी के नेता को नहीं दिया जा रहा है। जो उस टिकट की बोली सबसे अधिक लगा रहा होगा वो उस तरह से उसको टिकट मिल रहा होगा। हेल्दी फूड कहे जाने वाला पनीर भी क्या आपकी सेहत बिगाड़ सकता है और कैंसर जैसी बीमारी को जन्म दे सकता है, ये सुनकर किसी के भी होश उठ जाएंगे। इस बात का खुलासा फरीदाबाद के एक RTI एक्टिविस्ट ने किया है, जिसमें कहा गया है कि फरीदाबाद जिले में फूड इंस्पेक्टर द्वारा लिए गए पनीर के 27 सैंपल में से 26 सैंपल फेल पाए गए हैं। फेल सैंपलों में यूरिया, डिटर्जेंट और घटिया ऑयल जैसे घातक पदार्थों की पुष्टि की गई है। एक्टिविस्ट द्वारा अपने स्तर पर भी सैंपलों की गवर्नमेंट अप्रूवल लैब से जांच करवाई गई, जो फेल पाए गए। खास बात यह है कि इन लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि मात्र 5,000 रुपए के जुर्माने लगाकर इतिश्री कर ली गई। डॉक्टरों ने मिलावटी पनीर से कैंसर होने की बात कही है, वहीं कानून के जानकारों के अनुसार ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान भी है, लेकिन मात्र थोड़ा सा जुर्माना लगाकर मिलावट के मामलों को दबा दिया गया। देखिए, एज अ अवेयर नागरिक होने के नाते सैंपल्स हमने पहले घी के चेक करवाए थे और अब हमने थोड़ा सा पनीर के चेक करवा के देखे और फिर गवर्नमेंट का डाटा निकलवाया कि इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे सैंपल लिए हैं, क्या हुआ है उन्हें, क्योंकि ये कुछ इनका क्राइटेरिया होता है कि इतने सैंपल आपको लेने ही लेने हैं, और जिसमें से पनीर के सैंपल एक महीने में लिए गए थे और उस एक महीने में 27 सैंपल में से 26 फेल पाए गए हैं। ऑल ओवर फरीदाबाद जो थोक की दुकानें हैं उनसे सैंपल लिए गए थे, जो शादियों में सप्लाई करते हैं, जो और दुकानदारों को सप्लाई करते हैं, जो छोटी मोटी जो पनीर की दुकानें हैं उनको सप्लाई करते हैं, जो थोक विक्रेता हैं उन्हीं के सैंपल फेल पाए गए हैं। कि ये जो जिनमें जो इसके अंदर जो चीज़ें मिलाई गई हैं, डिटर्जेंट मिलाया गया है, यूरिया मिलाया गया है, भारी मात्रा में मिलाया गया है, और आप ये देखिए 70 रुपीस पर केजी की दर से खरीदा जा रहा है, जो दुकानदारों का परचेजिंग का रेट है, आप ये देखिए 60 रुपये किलो जो दूध आ रहा है 70 रुपये किलो में कैसे आप पनीर दे रहे हैं, उसे बचा भी रहे हैं, कर क्या रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा हमारे लिए खतरा है ये। लेकिन जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ ये खुद गवर्नमेंट का डाटा है,
गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने सैंपल कलेक्ट किए हैं, आरटीआई में हमने उनसे मांगा कि जी आप ये बताइए आपने कितने सैंपल कलेक्ट करे और कितने फेल हुए। आप मान के मतलब कि एक भोचक रह जाएंगे, 27 में से 26 सैंपल फेल हुए हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड के खोए के बर्फी के, मतलब कि आप फरीदाबाद में आज के डेट में जहर खा रहे हैं। शादियों में पनीर बिल्कुल मत खाइए, पनीर कहीं भी मत खाइए, अपना घर में दूध अगर सीधा भैंस से निकलवा के ला सकते हैं तो पिए, नहीं तो अपना पानी पिए और खुश रहिए। हम शरण में एक हम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। हम ये चाहते हैं कि एक तो जो भी सैंपल कलेक्ट हुए और जो उसकी रिपोर्ट आए डेट शुड बी पब्लिश्ड। इवन पीपल शुड नो आप किसके लिए कलेक्ट कर रहे हैं। आप ये कागजों में रख के फाइलें रख के अंदर 5,000 रुपये जुर्माना लगा के ये फाइलों में रखने के लिए कर रहे हैं या आप लोगों को अवेयर करने के लिए। ये और लोगों का हक है कि हम खा क्या रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए, एटलीस्ट दे शुड नो कि क्या चीज़ ली जा रही है और ये उन्हें बताना चाहिए। लेकिन ये करते क्या है, रख देते हैं। हमारे सबसे पहले डिमांड ये है, कोर्ट में हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट में हम डालेंगे रिट इसमें, हमारा सबसे पहले डिमांड ये है कि दीज नेम शुड बी पब्लिश्ड इन ओपन। सेकेंडली इसमें सिर्फ इन्होंने क्या करा है, सिर्फ पेनल्टी लगाई है 5,000 रुपये की, डेट इज नेग्लिजिबल। इसमें सजा का प्रावधान है और सजा देनी चाहिए। सर क्या नाम है? डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी। मामला ये है कि एक्चुअली जब हम पनीर खाते हैं, जो भी पनीर खा रहे हैं वो पनीर नहीं खा रहे हैं, पनीर के नाम पे वो ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो केमिकल बोल सकते हैं, यूरिया है, डिटर्जेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे केमिकल्स हैं, ये सारे नॉन फूड कैटेगरी में आते हैं। रादर अगर आप WHO के उस लिस्ट को देखें तो ये कार्सिजेनिक कैटेगरी में आते हैं। कार्सिजेनिक मीन्स ये कैंसर प्रोड्यूसिंग। तो सिर्फ दिखने में पनीर है बट इन रियलिटी पनीर ना होकर वो ऐसे चीज़ें हैं जिनको अगर हम खाएं या बॉडी के अंदर जाए किसी भी तरह से तो वो कैंसर कॉज करेगा। सो अगर सिंपल भाषा में बोलें तो वो एडल्ट्रेशन होगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो सिर्फ जो खा रहा है उस तक ही सीमित नहीं है, उसके आने वाले जनरेशन जो भी पैदा हो रहा है या होने वाला है उस तक भी वो एक्सटेंड होता है। कानूनी राय क्या है जो आपकी तरफ से? देखिए कानूनी ये है, अंडर प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जिसमें रूल्स ही बने 1956 में, उसमें प्रावधान ये है डिस्ट्रिक्ट में फूड इंस्पेक्टर को सैंपल लेना चाहिए और सैंपल लेने के बाद उसको लेबोरेटरी में भेजना चाहिए और अगर लेबोरेटरी में वो पास नहीं होता है तो समरी ट्रायल के लिए कोर्ट में जाना चाहिए। मुझे तो ताज्जुब हुआ है, लगता है कि हरियाणा ने उस एक्ट में तब्दीली की है, वरना जहाँ पेनल्टी का प्रोविज़न है उसमें 10 तरीके की पेनल्टी है और पेनल्टी अकेला एक में भी नहीं है, उसके साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी है, यानी जेल भी है, सज़ा भी है। यहाँ पर जो अभी वरुण जी बता रहे थे, आप लोगों को क्वेश्चन भी करना चाहिए ADC को कि आपको कहाँ से पावर मिली है। बेशक इसकी कॉपी आप ले सकते हैं एक्ट के एक डेढ़ पेज की, कि प्रावधान तो सबके सब में यह है कि सेंटेंस भी होना चाहिए यानी इम्प्रिजनमेंट भी होना चाहिए और आप सिर्फ जुर्माना ले के छोड़ देते। तो मुझे लगता है कि कानून का पालन प्रॉपर नहीं हो रहा है और क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक स्टेज अब आ चुकी है, इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए सख्त कानून बनना चाहिए इस पर जिससे कि सख्त सजाएँ दी जा सके। शामली में खूनी सड़क ने आज फिर एक जिंदगी को छीन लिया। हज यात्रा के लिए अपने कागजों का वेरिफिकेशन करने के लिए जा रही महिला सड़क में गड्ढा होने के कारण बाइक से गिर गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। एक्सीडेंट आया है, महिला की मौत है, क्या मामला है? एक संजीदा नाम की महिला मृत अवस्था में यहां पर आई है, हेड इंजरी के कारण उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट में कहीं पुराना रोड पे पास एक्सीडेंट हुआ। हरियाणा के पानीपत में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटे हैं। एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी और BSP नेता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आई और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मिली जी, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठेकेदार हूँ, है वहाँ एक डॉक्टर गंगाचरण है माधवपुरी पे, वहाँ उसने मेरे पास फ़ोन किया है, अब तेरे लड़के को गोली मार दी है। मैं बोला कैसे मारी है, अके नूनी बतावर लड़का जो तेरा पेंट का काम कर रहा है उसका गोली मार दी किसी आदमी ने है, नूनी पता किसने मारी है, है। तो मैं वहाँ से फैक्ट्री से अपने कपड़े बदल के ना
और फिर स्कूटर लेके ना अस्पताल में पहुंचा, मेरे बच्चे ने फोन करा अपने पोते ने, है अब भाई तू अस्पताल में जा अंकल द्वारा फोन कर दे, मगर मेरे द्वारा नंबर नहीं है तो मैं मालिक से पैसे पूछे लेकर। कोई दुश्मनी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ना मेरे बच्चे की दुश्मनी है, गाँव में बहुत से लोग है लेकिन ये तो पता नहीं दुश्मन कहाँ से आए। चलो कोई चलो ठीक है, किसी से भी कुछ निकलना जी, हम तो आज से किसी से कोई दुश्मन आई नहीं जी, कती भी आज तक किसी से भी दुश्मन आई। किसी पार्टी में भी थे वो? पार्टी में तो बहुजन समाज पार्टी का वो था अध्यक्ष बन रहा था, वही पे बढ़िया था थोड़े दिन से। पेंट का काम कर रहे थे तो बोले आप मैं थोड़ा सा सामान लेकर आऊँ पेंट का, और तो फिर आप वहाँ दूसरी दुकान पर करेंगे काम। ठीक है भाई, हम रोटी खा लो, इतना हम खाना खाने लग गए, मैं छोले लेने चला गया, इतना जी मैं ले कर इतना तो वहाँ पर उसका गोली लग गई थी। किसने मारी है गोली जी? पता क्या बता सकता जी, किसने मारी किसने नहीं बताओ, हम तो जानते भी नहीं थे ना, क्योंकि सी टी वी फुटेज कमरे में बैठ रहे हैं, हमको जी देखा आपको पिछाड़ में नहीं आ रहा। सी सी टी वी में आया कुछ? हाँ आ रहे हैं जी, उसमें सी टी वी फुटेज कमरे में जी कैद हो रहा है। कितने थे मारने वाले? वो तो जी बाइक पे है जी, बाइक पर सिटी फुटेज कैमरे मारे जी, दो जने हैं उसमें। तो क्या नाम था मरने वाले का? सुखदेव था जी, वैसे तो फुल उठा कर ले, वैसे सुखदेव नाम था जी उसका। किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं जी, मारे आगे तो जी कोई झगड़ा वो नहीं मारा जी उसका। आप ही के साथ काम करो? हाँ जी, हम साथ में। सुबह आज करीब दोपहर 12-1 बजे एक लड़के को की हत्या कर दी गई समालखा में, वो सफेदी का काम करता था, ठेकेदारी का काम करता था, और इसमें अभी तक वो जो उसके परिजन हैं कंप्लेंट सबमिट कर रहे हैं, तुरंत FIR करके पोस्टमार्टम करवा के आगामी कार्रवाई की जाएगी। और ये पता लगा है कि दो लड़के उसमें बाइक पर आए, उसको नज़दीक से गोली मार दी। सर CCTV में भी कुछ कर रहे हैं? हाँ CCTV का सुनने आया, अभी SHO को डायरेक्शन दिए हैं कि वो सारी अच्छे से कार्रवाई करे, अगर CCTV फुटेज है तो कब्जा में उसे आइडेंटिफाई करवाए। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी का कैशियर हल्का समालका से अध्यक्ष बना रखा था इसको, और ये ठेकेदारी का काम करता था, बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय नेता था हमारे में, और ये सवेरे समालका में गया बड़े बाजार में, इसको किसी ने गोली मारी और एट दिस स्पॉट इसकी डेथ होगी, जो कि अभी फुटेज से पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके बाद में हम पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ आए हैं, और पोस्टमार्टम के बाद में डेड बॉडी जब लेंगे, जब हमारा क्लियर हो जाएगा भाई किसने गोली मारी, मुलजिम गिरफ्तार हो जाए। सीसीटीवी फुटेज में आए हैं दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए, उन्होंने नज़दीक करके गोली मारी, सीसी फुटेज पुलिस ने निकलवा लिया है, परंतु जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हम डेड बॉडी को दाह संस्कार नहीं करेंगे। कोई दुश्मनी किसी पे शक जी? नहीं, किसी पे शक नहीं है हमारा, हमारा कोई इसका रंजिश मामला नहीं था, और इसको कार्रवाई है पुलिस देखेगी कि भाई फुटेज में आए हुए हैं उनको देखेंगे कौन है कौन नहीं है, और हम पहचान करने की पूरी कोशिश करेंगे, पुलिस से अनुरोध करेंगे कि भरे बाजार में क्या किसी ने हमें पहचाने नहीं कौन थे कौन नहीं, जहाँ सरेआम बाजार चलता है, जहाँ हजारों की तादाद में सारा दिन वहाँ मातापुरी चौक पे सारा दिन जनता रहती है, वहाँ पे किसी ने पकड़ने की या किसी ने छटवाने की या किसी ने पता नहीं है इस चीज़ का, वहाँ तसल्ली करें और मुलजिमों को गिरफ्तार करें, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करें। वहीं घरोंडा मंडी में करीब 1 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे किसान भवन का निर्माण कई महीने से अधर में लटका हुआ है। इस भवन का निर्माण दिसंबर महीने तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का कार्य भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। करीब 1 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस 2 मंजिला भवन में 8 कमरों, मीटिंग हॉल, कैंटीन और शौचालय का निर्माण किया जाना है। हैरानी की बात तो यह है कि निर्माण पूरा करने की डेडलाइन खत्म होने के 2 महीने बीत जाने को है, लेकिन फिलहाल तक सिविल वर्क भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। राजमंडी गेट के ऊपर किसान भवन हमारे किसान भाइयों के लिए जो सरकार ने एक तोहफा दिया था, पीछे 1 करोड़ की लागत से जो भी किसान भाई जो देहात से आकर अपनी फसल लेकर मंडी में आता था, उसके लिए एक व्यवस्था, रात को ठहरने के लिए, दिन में पानी स्वच्छ मिले व्यवस्था, चारपाई हो और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, छोटी कैंटीन भी होगी इसके अंदर, और इसीलिए सरकार ने कि हमारे को पूरे प्रदेश के अंदर हर मंडी के अंदर एक किसान भवन सरकार ने घोषणा की थी, उसी के अंतर्गत आज हम किसान भवन का निरीक्षण करने के लिए आए थे, उसमें काफी खामियां मिली हमें,
जो ठेकेदार प्रॉपर काम नहीं कर रहा था तो उसको भी हमने लताड़ लगाई है, और हमारे जो मंडी सेक्टरी सुपरवाइजर वगैरह हम सब ने सबको बुलाया, तो उन्होंने जो आधे आश्वासन भी दिया हमें भी हम जल्द से जल्द इसको भवन के निर्माण को हम जल्दी से कार्य पूरा करके देंगे। हमने उनको अल्टीमेटम दिया है भी 31 मार्च तक ये काम पूरा होना चाहिए ताकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फसल आती है तो किसान मेरा दुखी ना हो, इसलिए हमने आज ये विजिट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मुर्गियों से भरी पिकअप ने साइकिल सवार मजदूर को कुचल डाला, वहीं उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया है। ये 10:30 बजे के आसपास अभी ये पुलिस के कांस्टेबल है हमारे सीपी महावीर महादेव सिंह जी लेके आए थे मरीज को। ये जो है निजामुद्दीन नाम है इनका, इनके पिताजी का नाम हकीम शहबाजपुर कला के रहने वाले हैं ये, और इनका कहीं रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था तो जब यहाँ पर इसका निरीक्षण किया गया तो ये ब्रॉड डेड पाए गए, हार्ट में कोई वो नहीं थी, पल्स गायब थी इनकी, तो कुल मिला के जब हमने एग्जामिनेशन किया तो ये डेड थे। शरीफ नगर के स्कूल आसपास हुआ था, इंटर कॉलेज के सामने सूचना आई थी थाने में, तब हमें सूचित किया गया, तब जीप से वहाँ पहुँचे आप ही ने जी टाटा मैजिक बुलाए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।